अयोध्या से अनुराग लगातार मेरे अयोध्या से हिमांशु और अनुराग गोंडा से मेरे साथ बने हुए हैं, तो अनुराग का मैं रुख करूंगी। गोंडा में 9 बजे तक 9% तक करीब मतदान हो चुका है। अनुराग, अभी क्या तस्वीरें दिखाई दे रही हैं और जो मतदाता हैं उनकी संख्या बढ़ रही है? अनुराग, मेरी आवाज मिल रही है आपको? अनुराग, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? तो अनुराग तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। हिमांशु, क्या मुझे आप सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सुन पा रहा हूं मैम। बिल्कुल, अयोध्या को बार बार हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण सीट है, तो अपडेट बताइए, अयोध्या के मुद्दे बताइए। अयोध्या का सबसे बड़ा मुद्दा था राम मंदिर, राम मंदिर निर्माण शुरू हो चुका है, वो तो निर्माण शुरू हो चुका है। देखिए, लेकिन अब हिमांशु, उसका निर्माण शुरू हो चुका है, वो अलग मुद्दा है राम मंदिर का, वो पूरे देश का मुद्दा है। अगर अयोध्या के ग्रामीण क्षेत्रों की हम बात करें और अयोध्या में जो मुस्लिम वोटर्स है उनकी हम बात करें, उनका क्या कहना है? उनका भी साफ तौर पर कहना है कि विकास और रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन जब से राम मंदिर निर्माण शुरू हुआ, जब से श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ गई है, जिससे व्यापार में तो काफी वृद्धि आई, लेकिन अगर विकास की बात की जाए तो विकास अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंच पाया सही से। मुख्य मार्ग तक तो विकास हो चुका है, लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो वहां पर विकास अभी कहीं ना कहीं कोसों दूर है। जो सकरी कलियां हैं, जो मुख्य मार्ग है, वो भी अभी काफी सड़कें हैं, जिससे लोगों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हाल ही में प्रधानमंत्री के भी कई दौरे हुए हैं यहाँ पर, मुख्यमंत्री ने भी लगातार दौरे करके जनसभाएं भी कही हैं, उसके बाद भी काफी लोगों में विकास मुख्य मार्ग पर, जिस मार्ग से प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री या कोई संबंधित बड़ा अधिकारी नेता निकलता है, उस मार्ग को तो सही कर दिया जाता है, लेकिन अगर वहीं पीछे की गलियों की बात की जाए, साफ सफाई की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं विकास यहाँ पे अभी भी संभव नहीं है। कई मतदाताओं ने विकास और रोजगार को लेकर की बात की है, लोगों ने विकास और रोजगार को एक मुद्दा बताया, लेकिन अगर यहीं पर रवात राम मंदिर किया जाती है, राम मंदिर के आगे विकास कहीं ना कहीं मतदाताओं के आगे पीछे हट जाता है, क्योंकि राम मंदिर एक आस्था का प्रतीक है, जो इस बार भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा बना करके खत्म कर दिया, लेकिन अभी भी लोगों के अंदर आस्था लगातार बनी हुई है और राम मंदिर के नाम पर भी ज्यादातर वोट अयोध्या में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, और हिमांशु देखिए, सुबह से आप बने हुए हैं, 7 बजे से ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, आप लगातार कह रहे हैं कि आस्था का मुद्दा राम मंदिर है और कहीं ना कहीं आम जनता इसको लेकर भी वोट दे रही है, क्या लग रहा है कितने लोग ऐसे हैं जो इन मुद्दों को अभी भी लेकर मतदान कर रहे हैं, या वाकई अब जो युवा है प्रदेश का, अयोध्या का, वो आगे बढ़कर सोच रहा है, विकास की राह पर आगे बढ़ने की सोच रहा है? बिल्कुल, विकास की राह पर तो बढ़ के युवा सोच रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो राम मंदिर बना है तो रोजगार बढ़ा है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ने जो स्वराज योजना कराई, जैसे दीपावली के सामने देव दीपावली पे काफी संख्या में दिए दीपक जला करके उद्घाटन किया था, दीपक जलाए गए, उसे दीपक बनाने वाले जो मिट्टी कारीगर हैं उनको भी काफी रोजगार में इजाफा हुआ, काफी संख्या में रोजगार उनको मिला, उन्हीं के साथ कई कारीगरों ने भी रोजगार बढ़ाया। इस चक्कर में युवा का भी जोश काफी हद तक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा चुका है, और भारतीय जनता पार्टी भी लगातार जो उन्होंने वादे किए थे, जो अयोध्या का धर्म तीर्थ स्थल बनाने के वादे किए थे, वो कहीं ना कहीं पार्टी नजर पूरा करती नजर आ रही, तो कहीं ना कहीं इस बात को भी देखा जा सकता है कि युवाओं में जोश तो है ही है, साथ ही साथ जो बुजुर्ग जो महिला है जो या पुरुष है, वो भी राम मंदिर की आस्था को मानते हुए अपना मतदान लगातार करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, चलिए ठीक है, अनुराग का मैं रुक करूंगी, गोंडा से लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। अनुराग, गोंडा में 9 बजे तक अच्छा खासा वोटिंग परसेंट हमें दिखाई दिया है, 8.37% यहाँ पर वोटिंग हो चुकी है। अयोध्या से भी लगातार मेरे सहयोगी बने हुए हैं, अयोध्या के जो मेन मुद्दे हैं उन पर हम बातचीत कर रहे हैं। गोंडा का जिक्र लगातार आप करें कि गोंडा में सबसे ज्यादा जो अभी मांग है आम जनता की, वो रोजगार है, क्योंकि वहां का जो पढ़ा लिखा युवा है उनके पास नौकरी नहीं है, वो चाहते हैं कि नौकरी मिले, तो क्या सिर्फ यही मुद्दा हो सकता है या इसके अलावा और भी मुद्दे हैं? क्योंकि इस बार पांचवें चरण में जब चुनाव प्रचार हो रहा था पांचवें चरण को लेकर, तो हमने जो आवारा पशु थे, जो छुट्टा जानवर थे, जिनकी वजह से किसानों को नुकसान होता है, ये बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ कर हमने देखा जनसभाओं में। ये बिल्कुल, आप दर्शकों को बताते हैं कि जिस तरीके से इस चुनाव में जो युवा है, युवा रोजगार के लिए, युवाओं का मेन मुद्दा रोजगार है,
वहीं शहर के विकास, हम आम लोगों की बात करें तो शहर का लोग विकास चाहते हैं। गोंडा शहर में जो है अभी, क्योंकि आजादी के बाद से जो नगर पालिका बनी है उसका दायरा नहीं बढ़ा है, तो यहाँ पे लोगों का ये सबसे बड़ी मांग है कि नगर पालिका का जो दायरा बढ़ाया जाए, जिससे कि शहर का दायरा बढ़ने से लोगों का विकास हो सकेगा। क्षेत्र जिलों में जो आस पास नगर पालिका क्षेत्र के अगल बगल के जो गाँव है वो भी नगर पालिका में आने के बाद उन क्षेत्रों का विकास हो सकेगा। वही हम आपको बता दें, शहर में जाम से निजात पाने के लिए लोगों की एक डिमांड है कि गोंडा में ऐसी कोई रिंग रोड बनाई जाए जिससे कि शहर में जो भारी वाहन है उसको बाहर बाहर निकाला जा सके, जिससे शहर को जाम से बचाया जा सके। वहीं अब गंदा शहरों के जो तमगा गोंडा को मिला था उससे तो गोंडा उबर गया है, लेकिन अब गोंडा में जो आम लोगों की डिमांड है कि यहाँ का विकास हो चुके, समुचित विकास हो चुके और उनके जो मोहल्लों में सड़कें अच्छी हों। गोंडा में सीवर लाइन एक बड़ी समस्या है, सीवर है नहीं यहाँ पर, तो लोगों की डिमांड है कि गोंडा को सीवर लाइन मिले जिससे कि यहाँ के लोगों को समस्याएं हैं वो दूर हो सके। तो कहीं ना कहीं लोग इस बार विकास के मुद्दे को लेकर सड़कों पर निकल रहे हैं और लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। और गोंडा में जिस तरीके से पोलिंग परसेंटेज सुबह 9 बजे तक लगभग 9% का मतदान हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा मैसेज जा रहा है लोगों में कि लोगों में उत्साह है और लोग मतदान करने के लिए निकल रहे हैं। जी बिल्कुल, और बहुत ही खूबसूरत तस्वीर जो है वो लगातार गोंडा से मेरे सहयोगी अनुराग दिखा रहे हैं, भारी संख्या में मतदाता पहुंचे हुए हैं। अयोध्या से भी ऐसी तस्वीर लगातार हम देख रहे हैं। तो आज पांचवा चरण है और पांचवे चरण आते आते कहीं ना कहीं जो जोश था वो और ज्यादा हाई होता हुआ तमाम राजनीतिक पार्टियों का नजर आ रहा है। इस बार की जो सीटें हैं, यानी कि पांचवें चरण की जो महत्वपूर्ण जिले हैं, जो सीटें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि उसमें अमेठी भी है, रायबरेली भी है, प्रतापगढ़ भी है, बहराइच भी है, अयोध्या भी है, गोंडा भी है, प्रयागराज भी है। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं क्योंकि यहाँ से कई ऐसे प्रत्याशी हैं जिनके टक्कर जो है परिवार से ही, कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो बागी हैं, कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो दागी हैं। ऐसे में उन पर दाव खेलना राजनीतिक पार्टियों के लिए कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा हम भी लगातार एक एक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। 12 जिले बताए जा रहे हैं, 61 सीटें हैं जिन पर सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है और शाम 6 बजे तक मतदान होना है। फिलहाल तो शांतिपूर्वक मतदान जो है हर जगह से दिखाई दे रहा है, हालांकि इक्का दुक्का जगह से ईवीएम में गड़बड़ी की, खराबी की समस्या आई थी, लेकिन वक्त रहते उसे निपटा लिया गया है, सही कर लिया गया है। वोटिंग प्रतिशत भी ठीक ठाक देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन अभी जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे मतदाता जो है वो घर से निकलेंगे और मतदान केंद्र पर पहुंचते हुए नजर आएंगे। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की टीम भी लगातार मतदान केंद्रों पर पहुंची हुई है, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रही है। फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।